मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग के सभी दीवाने थे। उनके जाने के बाद भी फैंस उन्हें भूले नहीं है, पर उनकी मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। इस अनसुलझी गुत्थी पर फिल्म न्याय द जस्टिस बनाई गई है। पहले फिल्म 11 जून को रिलीज की जाने वाली थी, पर यह फिल्म विवादों में घिर गई और केस दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया। तो चलिए जानते हैं क्या था ये विवाद और क्या हुआ इसका फैसला। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री पर बन रही फिल्म के खिलाफ सुशांत के पिता के सिंह ने याचिका दायर की थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला सुनाने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी, जिस कारण फिल्म 11 जून को रिलीज नहीं हो पाई थी। पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए फिल्म की रिलीज के खिलाफ दायर की हुई याचिका को खारिज कर दिया है। एडवोकेट विकास सिंह ने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। अब फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि थिएटर और मल्टीप्लेक्स खुलते ही फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। वाकई में सुशांत के इस अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में सभी जानना चाहते हैं। फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज कर दिया गया था। इस फिल्म में सभी किरदारों के नाम जरूर बदले गए हैं, पर फिल्म में कहा गया है कि ये रियल लाइफ घटना पर आधारित है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की भूमिका जुबेर निभाएंगे, जबकि श्रेया उनके अपोजिट रिया चक्रवर्ती के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म में सुशांत के पिता के किरदार में असरानी है, वहीं अमन वर्मा ईडी प्रमुख के रूप में नजर आएंगे। एनसीबी के प्रमुख के रूप में शक्ति कपूर, महेंद्र के पिता के वकील के रूप में अनंत जोग नजर आएंगे और मुंबई के कमिश्नर का किरदार अनवर फतेहन निभा रहे हैं। सुधा चंद्रन बतौर सीबीआई चीफ नजर आने वाली है। इस फिल्म के लेखक और डायरेक्टर दिलीप गुलाटी हैं, वहीं सरला ए सरावगी और राहुल शर्मा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। राहुल शर्मा का कहना है कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा और हम इस फैसले से बेहद खुश हैं। हमने हमेशा बताया है कि यह फिल्म हम पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहे थे, बल्कि इस फिल्म के माध्यम से हम सच को सामने लाना चाहते हैं ताकि न्याय हो सके। अब जब सिनेमा घर खुलेंगे तब यह फिल्म थिएटर में रिलीज की जाएगी। मेकर्स का दावा है कि यह फिल्म सुशांत की मौत से जुड़े कई पहलुओं का खुलासा करेगी। हालांकि आपको बता दें कि टीजर रिलीज के बाद सुशांत के फैंस काफी नाराज नजर आए थे, क्योंकि सुशांत की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है और फिल्म को रिलीज भी किया जा रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में फिल्म से जुड़ी अपनी राय जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे टीवी और फिल्म जगत की जुड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।